बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल में भी करेंगे, और जैसे नॉर्मल रेंज स्टार्ट होती है कम से कम 400 रुपए किलो से ऊपर स्टार्ट है क्वालिटी बच्चे में। ऊपर से ऊपर जी दोस्तों, बहुत हाई ब्रीड और हाई क्वालिटी रखने वाले वही तुम्हें पूछ रहा हूँ। ये घोड़े पैटर्न में है भाई साहब, ये बकरा नहीं है, ये घोड़ा है। देखो कमेंट करना, मैं इसको साइड से लेता हूँ, इसके साथ में एक और पिक लगाऊंगा, तुम तो बस कमेंट करते रहना। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर विद जीपी पर। दोस्तों मेरे पीछे वो फार्म दिख रहा है आपको, बहुत शानदार जगह पे आया हुआ हूँ मैं। आप सभी को पता है कि राजस्थान का टेम्परेचर 44 डिग्री पहुंच चुका है। आप लोग अगर न्यूज देखते हैं, अखबार देखते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा। आज मैं आया हुआ हूँ केजीएन गोट फार्म के अंदर। इनके मालिक और ओनर से हम जो है मिलेंगे, इनसे बात करेंगे। उससे पहले आप वीडियो में आ ही चुके हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए। देखो दोस्तों क्या है कि इस वीडियो को देखने से पहले ये बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको स्किप करके छोड़ दीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो आपको देखना ही है तो इसको पूरा देखिएगा। भाई से मिलाऊंगा और टोटली हम जो है बात करेंगे। ये बकरों में भी डील करते हैं, बकरियों में भी डील करते हैं, छोटे बच्चों में, गुलाबी गुलाबी आप लोगों को गुलाबी चाहिए तो गुलाबी मैं दिखा रहा हूँ ना भाई, तुम ये वीडियो देखो और फिर बात करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते गोविंद भाई। अच्छा थोड़ा सा मेरे को अपने बारे में बता दीजिए। जी गोविंद भाई, आप सभी मुझे जानते ही हो, केजीएन गोट एंड एग्रो फार्म निम्बोल पाली राजस्थान से हूँ मैं। आज हमने वीडियो जो लिया, अपने आज वीडियो ले रहे हैं, उससे पहले हमने पिछली ईद पे लिया था या उससे भी पहले लिया था, एक साल पहले की बात है। साल से 14 महीने हो गए होंगे, 14 महीने बाद में इस वीडियो लेने इस फार्म पे आया हूँ। दोस्तों एक बार मैं हल्का सा घुमा के क्वालिटी दिखाता हूँ। हाँ भाई बताइए मेरे को, हम बात भी करते जाएंगे, ये जानना चाहूंगा किस किस में डील करते हैं, क्या क्या रहता है और कितने सालों से हो इस फील्ड में। गोविंद भाई अपना फार्म करीब 10 साल से कंटिन्यू चालू है। ठीक है, और वैसे अपना देखा जाए तो अपने बाप दादा से ये काम चालू है, लेकिन अपना जो इस लाइन में ऑनलाइन जो काम चल रहा है वो 10 साल से कंटिन्यू चालू। जी 10 साल से ऑनलाइन आप कंटिन्यू कर रहे हैं। जी जी जी। आप और आपके बड़े ब्रदर। हाँ बड़े भाई नईम भाई को। नईम भाई डॉक्टर साहब है, उनका वीडियो मैंने दिया था, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया था। आज मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, मेरे घर से तकरीबन दूरी ये होगी 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है निम्बोल की, सॉरी माफ करिएगा 35 किलोमीटर की है। अब मैं देखना चाहूंगा, देखो पीछे आइए, ये दोनों यहाँ खड़े रहने दीजिए, आप यहीं खड़े रहिए, बस देख देखते रुक रुके। ये क्या है, ये बकरी है, ये फीमेल है अभी पट, ये फीमेल है दोस्तों एक बार देखो, और ये पास में ये बड़ी ये बड़ी बकरी हैदराबादी और व्हाइट आइस के अंदर है। ठीक है जी जी। इनके बच्चे हैं, एक बार दोस्तों आप बच्चे उठाइए, बच्चे उठाइए, एक बार बच्चे उठाइए, मैं बच्चे दिखाऊंगा। दोस्तों देखो आप वीडियो में बने रहिएगा, मैं बच्चे दिखा रहा हूँ, बहुत टॉप क्वालिटी। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप ही का नुकसान है, इन लोगों से मिलिए, मैं तो आपको मिला रहा हूँ आराम से। ये देखो देखिए गोविंद भाई क्या क्वालिटी आई है भाई साहब, पहले तो ये बोलो लाजवाब क्वालिटी आई है। ये उसी बकरी का है, ये उसी बकरी का है, मेल है ब्रीडर। कितने महीने का है ये तो ब्रीडर है। कोई बकरी पे रखना चाहे इसको, बस दिखाओ यार, कोई भी अपने फार्म पे ब्रीडिंग पर्पज से रखना चाहे तो भाई साहब इससे आप ये वाला ब्रीडर ले सकते हैं। कितने किलो वजन में होगा ये 25 किलो का है, मार्बल सिंग, मार्बल खुर और बिल्कुल गुलाबी के अंदर। दोस्तों लाइक करिएगा इस बात पे। ठीक है अब इस पे आते हैं, ये कितने वजन में है, ये है 22 से 23 किलो, 22 से 23 किलो वजन का, 2 महीने 2.5 महीने का है ना। जी जी 2.5 महीने का ये बच्चा, इसको आराम से पकड़िए, देखो इसको चेहरा दिखाते हैं एक बार, चेहरा इधर करिए, क्वालिटी देखिए गोविंद, चेहरा देखिए दोस्तों। देखो समझ में आ रही है आपको, कमेंट जरूर करिएगा भाई पे। देखो भाई कितने अच्छी क्वालिटी में बच्चा है, एक नंबर ब्रीडिंग लाइन के बच्चे। अच्छा ये सेल कब करते हैं आप, इसको रख दीजिए नीचे, थोड़ा बात भी करेंगे। जो भी ब्रीडिंग के लिए बच्चा खरीदना चाहता है तो मिल जाएगा, ब्रीडिंग के लिए खरीदना चाहता है मिल जाएगा, 10 सालों से काम है भाई साहब। आप ये बच्चा देखिए गोविंद भाई जो अंदर जा रहा है, ये बहुत शानदार है, चलो अंदर ही चलते हैं, थोड़ा देख भी लेंगे और एक बार। हाँ आराम से आराम से, अब क्या है कि पकड़ में आराम से आएंगे, कुछ बच्चों को पकड़ के लाओ भाई, वो हाथ में ही नहीं आ रहा। अरे एक मिनट, ये दिखाओ ये दिखाओ इसके बारे में, तो ये देखो भाई, भाई भाई बड़ी मेहनत कर रहा है, ये क्वालिटी देख ले दोस्तों, क्या बात है, क्या क्रॉसिंग रही होगी। इसका फादर था तो प्योर हैदराबादी था या पतीरा था भाई, ये पतीरा से क्रॉस करवाई हुई, पतीरा फीमेल है मेरे पास, पतीरा फीमेल से हैदराबादी को क्रॉस करवा के ये बच्चे का ब्रीड लाइन है, बहुत शानदार लिया है। 3 महीने से ऊपर का है, बिल्कुल बिल्कुल। वजन होगा 35 से 40 के बीच, 35-40 किलो नहीं आएगा इसका, 25 किलो। हाँ 25 किलो भाई, 25 किलो आएगा। मैं 2-4 बड़े बड़े बकरे देखना चाहता हूँ, वो पीछे वाला बकरा वो उठाना पहले, सबसे पहले आराम से, कोई कोई नहीं, किसी को छेड़ना नहीं है, क्योंकि अभी देखो इधर उधर भागेंगे मजा भी नहीं आएगा। दोस्तों आप देखो, देखो थोड़े बकरों को इतने एक्टिव है कि उनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, और भाई को बहुत मेहनत भी लग रही है। मैं एक छोटा सा वीडियो लेके आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये क्वालिटी यहाँ पर रखी है और इसी क्वालिटी में ये लोग डील भी करते हैं। मेरा तो इतना काम है कि आप लोगों तक
सही व्यूवर्स तक सही प्रोडक्ट को पहुंचाना। भाई साहब क्या वजन होगा, क्या कद काठी इसकी, ये है तो सोजत में ही, व्हाइट आइज में भाई, ये व्हाइट आइज, व्हाइट आइज में भाई साहब, क्रॉस का बच्चा, हैदराबादी क्रॉस का बच्चा है, क्या लग रहा है। अब वजन कितना होगा इसका भाई, आपने इसकी ब्रीड लाइन के बच्चे देखे, ये मेरे पास आंडू था, अभी इसको खस्सी मार दिया मैंने, ये इसी ब्रीड लाइन के बच्चे हैं जी जी बिल्कुल, खस्सी क्यों गया भाई साहब, भाई भी अच्छी आ रही थी ना, अपने को कुर्बानी का शौक है, बड़े बकरे खस्सी करते हैं। अच्छा ऐसे बकरे अगर किसी को 50 चाहिए तो क्या होगा, अवेलेबल करवाएंगे, बिल्कुल आपको 10 सालों से काम ही है, अपने पास ऑलरेडी 500 बकरे अवेलेबल है, ठीक है, आपको वो भी दिखाया जाएगा कुर्बानी के बकरे कुछ, चलो ठीक है, इसी वीडियो में। इसका वजन कितना बताया आपने, इसका है 90 किलो, 90 किलो का वजन का, दांत हो चुका है 8 दांत, ठीक है, इसको करिए, वो लाइए छोड़िए, ये देखो हाइट देखिए, इसकी गर्दन ऊपर करिए भाई साहब, इसकी गर्दन देखिए, देखो सोबित में बनने वाले बकरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वजन में होगा एटलीस्ट 100 क्रॉस, बिल्कुल बिल्कुल, प्लस ही जाएगा, 100 प्लस का बकरा है और डबल हार्ड का बकरा। अच्छा एक क्वेश्चन हमेशा रहता है मेरे साथ और मेरे व्यूवर्स का भी, कैसे बकरों का चयन करें कि ऐसे बकरे बन जाए, हम तो बकरे लाते हैं आपको दिखाएंगे, तो बकरे बनते कैसे है, इसका जो है बॉडी स्ट्रक्चर देखिए ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ये घोड़े पैटर्न में है भाई साहब, ये बकरा नहीं है ये घोड़ा है, देखो कमेंट करना, मैं इसको साइड से लेता हूँ, इसके साथ में एक और पिक लगाऊंगा, तुम तो बस कमेंट करते रहना, गोविंद भाई इससे भी बड़े बड़े बकरे आपको दिखाएंगे, अभी अवेलेबल है 130 किलो अवेलेबल है। ओ भाई साहब सेल्फ फीडिंग पे कितने बकरे होंगे अपने पास, अपने पास अभी 500 बकरे अवेलेबल नहीं, 500 बकरे अवेलेबल है जी। अच्छा मेरे वीडियो से कोई भाई आपसे मिलना चाहता है, 50 बकरे, 100 बकरे, 200 बकरे, ट्रांसपोर्टेशन का क्या रहता है, सारी चीजें मेरे को एक बार बता दो। बिल्कुल बिल्कुल, आपके चैनल से जो भी आएगा उसको अच्छा रिस्पांस मिलेगा जी, और पूरा माल और क्वालिटी मिलेगी आपको, वापस रिस्पांस देंगे बिल्कुल बंदे, अगर कोई मिस कॉल में परिवर्तित हो जाता है तो आप उसको वापस कॉल करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहूंगा, इस पे आइए ना, ये तोतापुरी बच्चे देखते हैं दोस्तों, क्या है कि हम लोग घूमते हैं, विचरण करते हैं पूरे राजस्थान में, और अब तो मैं बहुत ऑल ओवर इंडिया का भी टूर बना रहा हूँ, तो ये चीजें मैं दिखा रहा हूँ कि ऐसी क्वालिटी भाई साहब ये, हाँ इसके बारे में तो, अरे मेरे तोतापुरी क्रॉस सोजत का है, अच्छा ये मेल है, एक बार इसको पकड़, फीमेल है, फीमेल भाई, अच्छा ये फीमेल है ना जी जी, अच्छा ऐसी फीमेल कितने में आ जाएगी भाई साहब, भाई साहब ऐसी फीमेल आप कॉल करके बात करो, बताइए ना ऐसे एप्रोच कितने में आ जाती है ये बता दीजिए, मेरे को तो व्यूअर को जानना है, 30,000 से शुरू है क्वालिटी फीमेल हैदराबादी में दोस्तों, क्वालिटी फीमेल ये देख लो, और भाई साहब बता रहे हैं 25,000 से 30,000 फोन कर देना जी जी, इसके बारे में बात करते हैं अपन, आप बाहर आ जाओ, क्या वजन में होगा ये, ये 60 किलो, 60 किलो, अभी दांत हो गया, ये बच्चा अदंत है अभी, अभी अदंत है जी, ठीक है। एक पट्टी का डिस्कशन रहता है हमेशा, कुछ भाई होते हैं वो फोन करते हैं कि मेरे को 50 बकरे चाहिए दो दांत पे 40 किलो के, अवेलेबल होंगे ऐसे भी, बिल्कुल हो जाएगा, जो उनकी डिमांड रहती है 55 किलो की पट्टी, 60 किलो की पट्टी, ऐसे आती होगी ना आपके पास भी, 50 किलो से लेके 100 किलो और 100 प्लस के भी मांगेंगे तो मिल जाएंगे, 100 ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है, आके आप निम्बोल में बकरे देखिए, आपको क्वालिटी पसंद आए तो हमारा वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूले। देखो दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, हम लोग इनके पास आए, इनके पास कितने बड़े हैं अभी अपने पास, यहाँ पे अभी यहाँ पे आपको 5-7 बड़े हैं, 5 से 7 बाहर से थोड़ा लोकेशन दिखा देते हैं, हाँ चलो चलते हैं बाहर भी देख लेते हैं एक बार, ये बड़े हैं, इस बड़े में क्या है, इस बड़े में भी कुछ फीमेल है और कुछ ये मेरे को एक ये सींग वाला बकरा, ये सामने ये क्रॉस का बच्चा बैठा है, अंदर चले पहले अंदर आइए आप, ठीक है भाई तुम उठाना एक जना जाके, एक भाई कोई भी जाओ, हाँ इसके लो ये हथियार वाला बकरा, देखो अपने को कोई चीज पसंद आती है तो भाई उनसे निकलवा ही लेते हैं, इसको लेके आ जाओ, ये देखो गोविंद भाई कोटा क्रॉस, कोटा सोचित क्रॉस लग रहा है ना, सोचित क्रॉस कोटा, हाँ सिंह देखिए इसके, ये देखो ये क्या वजन में होगा, ये एटलीस्ट 75-60 ये होगा, 70 किलो के आसपास, अच्छा 70 किलो के आसपास, यानी 65 से 70 किलो मान लेते हैं, बिल्कुल दांत कितने की आए, ये देखिए गोविंद भाई 4 दांत का हुआ, 4 दांत का हुआ है, अच्छा ठीक है एक बार अंदर ये वाला बकरा उठा दीजिए, देखो मैं बकरों को लूंगा नहीं, आप एक बार उठा दीजिए फिर मैं दिखाता हूँ दोस्तों, देख लो इनके पास 500 बकरे अवेलेबल है दोस्तों, 500 बकरे, बकरियां ये देखिए गुलाबी बकरियां हैं, ये देखिए गोविंद भाई, हाँ ये वजन बताइए भाई इसका, इसको घुमाओ ना थोड़ा, हाँ ये देखो क्या वजन में होगा, ये फ्रेम में नहीं आ रहा है गोविंद भाई, 85 kg, 85 किलो का है ये बकरा,
क्या रेटे रहती है, जैसे ये यूनिक चीजें हैं, इनके लिए कोई कॉल करेगा तो पर्सनल में ही करेगा मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनल में भी करेंगे और जैसे नॉर्मल रेंज स्टार्ट होती है कम से कम 400 रुपए किलो से ऊपर स्टार्ट है, क्वालिटी बच्चे में ऊपर से ऊपर से स्टार्ट है। 500 तक का भाव गया है, लेकिन वो 350 में माल थोड़ा वो हो जाएगा ना, एक दो 350 वाला जो एवरेज है वो अपने पास नहीं है, नहीं 400 से ऊपर शुरू है, 400 रुपए किलो से ऊपर से शुरू है इन भाई साहब का। यह काम देख लो दोस्तों, और देखो मैं तो ये मेरा तो फर्ज है कि मैं आपको ये क्वालिटी दिखाऊं, आपका काम है इनसे बात करना, इनको कॉल करना, भाई तुम कॉल उठा लेना। दूसरा दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको इस फार्म पे आके डील करनी है, यहाँ पे आके आप इनसे बात करेंगे और सीधी सी बात है ऑनलाइन कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, आपको फार्म पे आना है। इंडिया में किसी भी कोने में 4 से 5 हजार रुपए खर्च होते हैं भाई फार्म पे आने के। आगे आइए थोड़ा आपको और क्वालिटी में बच्चे दिखाते हैं बड़ी साइज में। बिल्कुल आगे चलते हैं। हाँ बताओ गोविंद भाई, ये आपको जितने भी बाड़े दिख रहे हैं सब में बकरे? हाँ हाँ हाँ, ये देखो ये भरे हैं इसमें भी, अंदर चलिए आप इसमें और बैठे हुए का आप एक बार नजर मार लीजिए थोड़ा। ये क्या वजन में होंगे भाई साहब? सब इसमें तो के बड़े बकरे हैं और क्वालिटी में सबका। पिछली बार इस बार लगभग 4 दांत पे बकरे अपने पास। ये लो भाई, लो भाई, आपकी डिमांड एक ही जगह आके पूरी हो जाएगी। अरे उठो मत, हम आपको उठाने नहीं आए। ये मेंढा है, दुम्बा है, क्या है? ये कुर्बानी का है भाई, कुर्बानी का, घर की कुर्बानी की। अच्छा ये जो देखो मक्का चीज लो भाई, ये देखो। अच्छा ये पास में ये क्या है? ये भी 100 किलो क्रॉस है भाई। ये जो सामने बच्चा बैठा है वो 130 किलो पे अपना वेट किया हुआ है। अंदर जाके देखे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, चलते हैं यहाँ पे भी दिखा देखो ना, बड़ा बकरा निकला 130 प्लस का बच्चा। 130 प्लस की कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी, बड़े बकरे, तुम देख लो जैसा तुम्हें लगे उचित। ये देखिए गोविंद भाई, फुल लंबी चौड़ी फ्रेम में कितना किलो है ये? 130 प्लस। वजन देखे, वजन को छोड़िए भाई साहब, ये पूरा वो है घोड़ा, बकरा नहीं है घोड़ा है। हाइट देखिए और आगे पलटी के लायक का बच्चा, गर्दन गर्दन ऊपर पलटी के लायक का अभी। बिल्कुल बिल्कुल, कितने दांत हो गए ये? अभी दांत हुआ है ये लेटेस्ट, 6 दांत के ऊपर हो चुका है। इतनी महंगी कुर्बानी होती है फिर भाई? अभी ये पलटी के लायक की है, जो भराई करने वाले हैं वो ऐसे बकरे ही लेके पालते हैं। अच्छा 130 से 150 किलो का बकरा लेके पालते हैं। बकरे भी लाखों में जाते हैं, आते भी लाए, हमने को माल दिया है। बहुत बंदे हमसे माल लेते हैं और पलटी के लिए याद करते पालने के भाई साहब। देखो अब देखो, अरे यार बबलू भाई तो आज दमक ही ला रहे, एक एक बकरे निकाल रहे हैं, फिर डंडा निकाल रहे। ये कितने किलो का? ये भी भाई 41 की हाइट पे है। 41 की हाइटेड बकरे, हाइट तो छोड़ो, हाइट तो दिख रही है सबको भाई साहब। वजन बताओ इनका, फिटिंग देखिए भाई, 130 किलो कांटा क्या हुआ भाई? ये कहाँ से निकाल के लाते हैं भाई साहब? भाई यही माल अपना अपने खुद के ब्रीडिंग का भी होता है और कुछ जंगल से भी निकालते हैं। जंगल से निकालते हैं ये ऐसे बकरे बढ़ाने के लिए। लो लो भाई देख लो, खड़ा नहीं होया जा रहा इससे तो पूरा ही, बहुत जबरदस्त है। और भी है क्या? अनीश भाई है, दानिश है क्या? अच्छा मैंने सुना अनीश, दानिश भाई। अच्छा कौन सी नस्ल का? 4 दांत पे, 4 दांत पे बच्चा। ये सोजत है या डबल कलर का? सोजत में ओरिजिनल सोजत बोलो। बकरा दिखाओ पीछे तुम्हारे, ये देखिए इसका सीना देखने के लायक चीज। हाँ दिखाओ ना वही तो, इसको थोड़ा सा भाई इसको साइड में कराओ ना, ये देखिए। ओहो ये बकरे, देखो हर चीज का अलग शौक होता है, किसी को कैसे बकरे चाहिए, किसी को कैसे बकरे। देखो कमेंट करना भाई तुम, इसको दिखाओ ना बबलू भाई साथ में। ये क्या वजन में? ये मक्की थी ना? जी जी गोविंद भाई, ये लो ये देखो 80 प्लस पे। दोस्तों देखो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 12 मिनट से ऊपर का हो जाएगा। इसके साथ वो जोड़ी है। अच्छा ये जोड़ी का भी? अच्छा जोड़ी में भी मिल जाएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल जोड़ी में। दोस्तों इनको कॉल करो, वीडियो पसंद आता है इनके दूसरे फार्म का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी बनाऊंगा। अभी भी मैं आप बात करना सभी से और कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स को, ऑल ओवर इंडिया से वो आप आ सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा। गोविंद भाई अभी नजर मारोगे तो पीछे की तरफ और बाड़े में बहुत बकरे हैं। अरे मैं देख चुका हूं, लेकिन वीडियो बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। ये हॉन्टन भी खड़े अपने पास। थोड़ा सा बात करते हैं, आप आ जाइए। ये आपको एक एक निकलते हुए दिखा देते हैं, मेरे को इतना से बता दो। नहीं निकलते हुए तो आप रहने ही दो, क्योंकि देख लिया है सब हो चुका है। ये तो बकरा है मेरे बराबर है इधर, इसको देखो भाई तुम, ये देखो क्या लग रहा है आपको? ये देखो ना ये भाई की हाइट देखो एक बार, ये देखो, ये यार उतार रह रहा है यार बकरा। ये देखो अब बराबर हाइट में आ गया है, बराबर का बकरा, ये जोड़ी के बकरे है देखो।
ये वजन में कितना बंदा, ये देखिए इसकी बगली बगली बहुत अच्छी निकली हुई है। ये तो है तो अपने सोजत का ही ना, ये अपने सोजत में है ना? बिल्कुल बिल्कुल सोजत में, चार दांत पे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ट्रांसपोर्टेशन का मेरे को थोड़ा सा बता दो ना, जो लोगों की क्यूरियोसिटी रहता है कि सूरत वाले को किसी को चाहिए तो मिल जाएगा, सूरत भेज देंगे। हां ज्यादा बकरे देंगे तो गाड़ी यहीं से होगी, वो तो सिंगल हो जाएगी। अच्छा, किसी का सिंगल डबल में सौदा होगा तो सूरत बंबई बड़ोड़ा पाली अंकलेश्वर की लाइन में जो भी रहेगा मिल जाएगा। अच्छा, ज्यादातर क्या होता है कि विश्वास वाले बंदे जाने चाहिए, इस बार क्या है कि थोड़ा सा गाड़ी वालों को अपना कौन जाता है, यहाँ से अपने बंदे जाते हैं और देवनार भी विश्वास वाले बंदे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इनको कॉल करो। हाँ एक बार ऐसे खड़ा रहो ना, थंबनेल के लिए फोटो भी आ जाएगा। भाई तुम इधर आओ, एक बकरे को इधर लेके आ जाओ, इधर लेके आओ ना थोड़ा, एक बकरे को, एक बड़ा वाला बकरा लाओ, बड़ा वाला लेके आओ, वो वाला 130। दोस्तों बहुत हाई ब्रीड और हाई क्वालिटी रखने वाले अजरुद्दीन भाई निम्बोल के अंदर हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये फोटो आपको थंबनेल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।